हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सबका डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर। तो क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स आ जाइए पढ़ाई करने के लिए। ऐसा समझिए कि ईवीएस का आपके लिए पीरियड लग गया है पढ़ाई करने का, और अब आपको रेडी हो जाना एकदम अपने पास में बुक्स लेके, नोटबुक लेके और साथ में पेन पेंसिल लेकर के, क्योंकि आपको अगर चैप्टर रीड एक्सप्लेन करना है तो आपके पास पेंसिल चाहिए, पेंसिल जरूरी होती है। अगर कोई स्पेलिंग्स आपको नहीं आ रही होती है तो स्पेलिंग्स लिखने के लिए आपको जरूरी चाहिए होती है। इस प्रकार से एकदम से तैयार हो जाइए अपने पास में बुक नोटबुक लेकर के और पेंसिल लेकर के। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास जो थी हमारी उसमें चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको क्या स्पेलिंग्स लिखवाई थी, स्पेलिंग लिखवाई थी। अब स्पेलिंग लिखवाने के बाद में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर को, कि किस प्रकार से इसके अंदर बताया गया है मोमेंट ऑफ फैमिलीज कैसे होता है। मोमेंट का मतलब मैंने बताया गति या संचालन, यानी गति का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो किस प्रकार से जो परिवार होते हैं, फैमिलीज होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। तो हम एक छोटी सी स्टोरी के रूप में हमारी बुक के अंदर बताया गया है, तो उस स्टोरी को भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। सारा मैं मेरी मर्जी से नहीं बताऊंगा कि ऐसे फैमिलीज का मोमेंट होता है, क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ होता है वह पढ़ना जरूरी होता है। क्योंकि अगर नहीं तो बुक में से नहीं पढ़ते हैं, अगर कोई अदर पर्सन आपसे पूछ लेता है कि बेटा इसका ट्रांसलेट करो, ये पढ़ करके बताओ, ये आपकी बुक है, तो उस समय अगर आप पढ़ करके नहीं बता पाओगे तो ये एक अच्छा नहीं लगता है। इस कारण से हम हमारी बुक से ही पढ़ते जाएंगे कि क्या स्टोरी दे रखी है और किस प्रकार मोमेंट दे रखा है फैमिलीज का। तो सबसे पहले मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ, चैप्टर 2 है और वो है मूवमेंट ऑफ फैमिली। हिंदी में होता है परिवारों की गति। तो गति का मीन्स मैंने बता दिया है, मूवमेंट के बहुत सारे मीन्स होते हैं, जैसे गति होता है, संचालन होता है, ऐसे कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना भी होता है, प्रवास भी होता है, मूवमेंट का मीन्स आंदोलन भी होता है। लेकिन हमारे को क्या समझना है, हमारे चैप्टर के दृष्टिकोण से बात करूं तो वो क्या होगा, वो गति होगा। तो हम बात करेंगे हमारी बुक के अंदर जो भी दे रखा है, और उस बुक से ही हम पढ़ते जाएंगे कि किस प्रकार स्टोरी हमारे बुक के अंदर दे रखी है। तो बुक के अंदर जो स्टोरी दे रखी है, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, परिवारों का गमन या परिवारों का संचालन। तो सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेवरल का मीन्स मैंने लिखवाया अनेक या कई, यानी अनेक परिवारों का मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं या मूव यानी जाते हैं। बहुत सारे परिवार होते हैं, कई परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या चलते हैं। बिटूज फैमिली इज वन सच फैमिली, यानी बिट्टू का परिवार भी एक ऐसा ही परिवार है। बिट्टू का परिवार, एक लड़की है बिट्टू नाम की, उसका परिवार भी एक ऐसा ही परिवार है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है। तो फर्स्ट लाइन क्या थी, कि अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बिट्टू का परिवार भी एक ऐसा ही परिवार है। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन ए विलेज, यानी बिट्टू का परिवार एक गांव में रहता है। बिट्टू का परिवार गांव में रहता है। एंड देन
इट डिड एग्रीकल्चर, इट डिड एग्रीकल्चर का मींस कि यह कृषि कार्य करता था। बिट्टू का परिवार भी गांव में ही रहता था और वह एक कृषि कार्य करता था, एग्रीकल्चर यानी खेती का कार्य करता था उनका परिवार। बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 years कंटिन्यूसली, यानी कि बिट्टू का परिवार लगातार 3 वर्षों के सूखे के कारण, सूखा या अकाल पड़ गया, तो बिट्टू का परिवार लगातार 3 वर्षों के अकाल या सूखे के कारण भूखमरी का सामना करने लगा। बिट्टू का ऐसा परिवार था कि 2-3 साल कंटिन्यू क्या हुआ कि वो बारिश नहीं हुई, फेमाइन यानी अकाल या सूखा पड़ गया, इस कारण से भूखमरी का सामना उसका परिवार कर रहा था। एंड देन दस इस प्रकार बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलोंग विथ हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू। तो इस प्रकार से बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलोंग विथ हिज फैमिली, यानी इस प्रकार बिट्टू उनके परिवार के साथ में अपने भतीजे के गांव गया। तो बिट्टू का परिवार वो उनके परिवार के साथ में, बिट्टू उनके परिवार के साथ में अपने भतीजे के गांव गया। एंड हिज कैटल टू, और उनकी मवेशियों को भी साथ में लेकर के, मवेशियों का मीन्स कैटल यानी उसके पास जो भी पालतू जानवर थे जैसे काऊ गॉट या बफेलोज जो थी उनको साथ में लेकर के, यानी कि बिट्टू का परिवार। तो इस प्रकार बिट्टू का परिवार उनके परिवार के साथ और अपने मवेशियों को लेकर के अपने उनके जो भतीजा था नेफ्यू उस भतीजे के गांव चला गया। दियर ही गॉट ए हाउस ऑन रेंट, यानी वहां उसने एक घर किराए पर लिया, वहां उसने यानी वहां बिट्टू ने एक घर जो था वो घर किराए पर लिया था। एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क, और बाद में कुछ कार्य के लिए ढूंढना शुरू हो गए, यानी कुछ ना कुछ तो काम चाहिए और उस काम को करने के लिए वो क्या हो गए, वो शुरू हो गए। तो बिट्टू का परिवार वहां चला गया था और वहां पर जाकर के बिट्टू का परिवार क्या करना शुरू कर दिया, कोई ना कोई काम ढूंढना उन्होंने शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद ही गॉट वर्क, यानी कुछ समय बाद उसको काम मिला, बिट्टू को कुछ समय बाद काम मिल गया। सो इसीलिए ये सॉरी या बिट्टू यहाँ पर लड़का है, ठीक है ना, लड़की नहीं है, बिट्टू का परिवार बिट्टू लड़की नहीं है, बिट्टू लड़का है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ही गॉट वर्क, उसको काम मिल गया। सो इसीलिए ही मिसिंग हिज विलेज, सॉरी ही गॉट वर्क, उसको काम मिला, सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विद हिज फैमिली, यानी इसीलिए वह वहां उनके परिवार के साथ, सिर्फ उनके परिवार के साथ रहता था। उसको काम मिल गया इसीलिए वह अपने परिवार के साथ में, वह यानी बिट्टू उनके परिवार के साथ में रहता था वहां। इट वॉज नॉट इजी टू लिव देयर, यानी कि उनको यहाँ रहना, उनको वहां रहना आसान नहीं था। बिट्टू का वहां रहना यानी बिट्टू का वहां गांव जो रहना आसान नहीं था, जहां पर वो उन्होंने घर लिया था किराए पर, तो यानी इनको वहां रहना आसान नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, यानी उसने उन अपने गांव को मिस करना शुरू कर दिया, शुरू किया। मिस करना मिस होता है कि गांव की याद आने लगी, गांव से दूर चले गए तो अपने गांव को उन्होंने मिस किया था। आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद ही केम टू नाउ दैट दिस टाइम, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीनों बाद, कुछ महीनों बाद क्या हुआ, ही केम टू नाउ दैट, यानी उसने उसको जानने को आया कि दिस टाइम हिज विलेज हैज रिसीव्ड गुड रेन, गुड रेन यानी कि, तो कुछ महीनों बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने क्या पता चला, उन्होंने पता चला कि उनके गांव में अच्छी बारिश हो चुकी है या उनके गांव को अच्छी बारिश प्राप्त हो चुकी है। कुछ महीनों बाद में उस बिट्टू को पता चला कि उनके गांव में अच्छी बारिश हो चुकी है। ओह व्हाट देन, फिर क्या, ओ
फिर क्या, ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड केटल, फिर क्या हुआ, जब भी उनके गांव में अच्छी बारिश हुई तो वह यानी बिट्टू उनके परिवार और मवेशियों को लेकर के गांव वापस आ गया। इस प्रकार एक छोटी सी कहानी थी बिट्टू की। ऐसे देखो होता है मूवमेंट फैमिलीज का, परिवारों का गमन ऐसे होता है जैसे यहाँ दे रखा है बिट्टू के परिवार का, कि किस प्रकार से जो बिट्टू का परिवार था लगातार 3 साल तक क्या हुआ, अकाल के कारण भूखमरी का सामना किया उनके परिवार ने। इस कारण से वह अपने परिवार को और उनके मवेशियों को लेकर के दूसरे गांव चला गया, यानी उसके भतीज नेफ्यू के गांव चला गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पर एक घर लिया किराए पर, और किराए के घर में रहना मुश्किल होता है, इसीलिए वहां रहना उनके लिए आसान नहीं था। फिर क्या, यानी कि कुछ महीने बाद में उनके गांव में अच्छी बारिश होती है, और अच्छी बारिश होती है तो फिर वो वापस अपने परिवार के साथ मवेशियों को लेकर के अपने गांव आ जाता है पूरा परिवार। अब दे रखा थिंक एंड टेल, कि सोचो और बताओ कि आपको जैसे व्हाट प्रॉब्लम्स माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज, व्हाट प्रॉब्लम्स माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज, कि नए गांव में बिट्टू ने किन समस्याओं का सामना किया। तो नए गांव जो गांव के अंदर उन्होंने किस समस्याओं का सामना किया, जैसे एक तो उनको घर रेंट पर लेना पड़ा, इसके समस्या ये समस्या हुई, और सर्च वर्क को ढूंढना, उन्होंने वो क्या काम ढूंढे वहां पर, तो उस काम को ढूंढने में भी उनको क्या हुई, समस्या हुई। फिर दे रखा है इफ एनी फैमिली इन योर लोकेलिटी हैज गॉन टू अनदर प्लेस और कम फ्रॉम अनदर प्लेस कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो ये दे रखा है कि यदि आपके मोहल्ले में या आपके इलाके में कोई परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है या आया है तो कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, तो उसके बारे में कुछ सूचनाएं आपको प्राप्त करनी है। जैसे क्वेश्चन में वेयर हैज द फैमिली कम फ्रॉम और वेयर हैज इट गॉन टू, कि वह परिवार कहाँ से आया है और परिवार कहाँ गया है, कहाँ से आया है परिवार तो वेयर हैज द फैमिली कम और कहाँ वो परिवार गया है। ठीक उसी प्रकार से ड्यू टू व्हाट रीजंस डिड इट कम या गो, उसके आने का या उनके जाने का क्या रीजन है, यानी दोनों में से एक कलेक्ट इंफॉर्मेशन लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि परिवार कहाँ से आया है या कहाँ गया है, ये उस पर उसके बाद में जैसे कि उसके आने का या जाने का रीजन क्या है, जैसे हमने जो चैप्टर पढ़ा है थोड़ा सा उसमें क्या रीजन होता है कि बारिश नहीं हुई, फेमाइन यानी अकाल पड़ गया, अकाल के कारण वो परिवार दूसरे गांव में गया था बिट्टू का परिवार। फिर दे रखा है हाउ मैनी मेम्बर्स आर दियर इन द फैमिली, उस परिवार में कितने सदस्य है। अब बिट्टू के परिवार में कितने सदस्य है ये हमारे को मालूम नहीं है, क्योंकि चैप्टर में बताया ही नहीं है, तो हमारे को मालूम नहीं है कि कितने सदस्य है उनके परिवार में। लेकिन आप ऐसे बता सकते हो कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा कोई परिवार आया तो उसमें कितने सदस्य है। फिर लिखा है पीपल हु हेल्प्ड देम, यानी लोग जिन्होंने उनकी सहायता की, यानी कौन से लोगों ने उस बिट्टू के परिवार की, या यहाँ कहूँ तो कोई भी अदर फैमिलीज तो आया है आपके इलाके में, वो चाहे आया है या चाहे आपके स्थान से गया है, तो वो उनकी सहायता किसने की। तो अब इस प्रकार से ये चैप्टर हमने पढ़ा है इतना सा, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस है यहाँ पे वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो क्वेश्चंस आपकी बुक में से ही नोट करने हैं। और मैं आपको क्या बता देता हूँ वो कि कौन से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से रीजंस होते हैं एक परिवार को, उसके बाद में और जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट क्या आंसर है, व्हाट प्रॉब्लम्स माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज, कि नए गांव में बिट्टू ने किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बिट्टू हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, आंसर है BIWT, बिट्टू हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स
सच एज, जैसे कि कौन सी है कि ही डिड नॉट गेट हाउस, ही डिड नॉट गेट हाउस, उसको वहां पे घर प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए उसको, जैसे हम कह सकते हैं तो उसको घर किराए पर भी लेना पड़ा था, उसके अलावा नॉट ऑन टाइमली गेट वर्क, यानी उसको समय पर कार्य नहीं मिला। वो सर्च किया था उन्होंने, बहुत बार ढूंढा था काम और काम लेट मिला उसको, तो ये रीजन भी है उसका, उसको एक तो समय पर कार्य नहीं मिला और उसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि उसको डिड नॉट गेट हाउस, उसको घर भी प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण से वो उसको किराए पर घर लेना पड़ा था, फ्री में घर नहीं मिला, उसको किराए पर घर लेना पड़ा था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि ये उनके लिए प्रॉब्लम्स थी, नए गांव में यही प्रॉब्लम थी, ऐसे तो कह सकते हैं, जैसे अकाल पड़ गया था ये भी एक प्रॉब्लम थी, बट ये कैसे कह सकते हैं कि नए गांव में उसको क्या समझा, अब नए गांव में अकाल थोड़ी पड़ा था, इस कारण से ऐसा नहीं लिख सकते हम, इस कारण से हमने ये लिखा है, ठीक है ना। उसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है वो मैं बता देता हूं, डू योर सेल्फ, ये आपको ही करना है। करना कैसे, देखो ऐसा ही दे रखा कि आपके मोहल्ले में, तो देखो फर्स्ट है वेयर हैज द फैमिली कम फ्रॉम, कि वह परिवार कहां से आया है, तो ऐसे लिख सकते हो द फैमिली हैज कम फ्रॉम, जैसे फर्स्ट के आंसर में क्या लिखना, द फैमिली हैज कम फ्रॉम, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो कौन से गांव से आया है, उस गांव से लिख दिया, एक ही लिखना है, तो फर्स्ट में द फैमिली कम, द फैमिली हैज कम फ्रॉम, जो गांव है वो आप कोई भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार सेकेंड में कि व्हाट रीजंस डिड इट कम, उसके आने का रीजन क्या है, तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं कि कौन सा रीजन, कि वो इट रीजन ऑफ स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन, यानी अकाल के कारण वो भूखमरी का शिकार हो गया, इस कारण से वह परिवार आया है। फिर हाउ मेनी मेंबर्स आर दियर इन द फैमिली, उस परिवार में कितने सदस्य, तो ये आप लिख सकते हो, जैसे कि There are 5 members in the family या 4 members in the family, ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट है people who helped them, लोग जिन्होंने उनकी सहायता की वो कौन कौन से, जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि me and my parents are helped them, me and my parents, यानी मैं और मेरे पिताजी, मेरे माता पिता कह सकते हैं parents को, तो मैं और मेरे माता पिताजी ने helped them, यानी उनकी सहायता की। ये 4 questions है, इनके answer आपको ही ट्राई करके लिखने हैं, और इस प्रकार से आपका होमवर्क यही रहेगा, क्वेश्चन 1 और 2, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर आऊंगा कल की क्लास में इसी समय, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहें, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।